चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं लेंथेनाइट के इंट्रैक्शन के बारे में। पिछले वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे फोरेट ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस का मतलब होता है एटॉमिक साइज एज वेल एज आयनिक साइज फोरेट ब्लॉक एलिमेंट्स की कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है सीरियम से लेकर लिट्यूटियम तक। तो इसी डिक्रीज इन साइज को हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडाई भी आप लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडाई और आयनिक रेडाई ऑफ लेंथेनाइट्स डिक्रीजेस from cerium to lutetium, ठीक। atomic size और ionic size जो है lanthanides की decrease होता है cerium से लेकर lutetium तक। this decrease in size is known as this decrease in size is known as lanthanide contraction। तो इसी डिक्रीज इन साइज को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो एग्जाम में अगर व्हाट इज लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्ट ये लिखना है कि सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक साइज जो है डिक्रीज होता है, और इसी डिक्रीज इन साइज को हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइट्स कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्यों होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये याद रखो, सीरियम टू ल्यूटेरियम या Cu+3 आयनिक साइज भी डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, ठीक। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज जो है दोनों डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयनिक एस वेल एस एटॉमिक साइज डिक्रीज, तो ये याद रखना है। अब ये क्यों डिक्रीज होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो रीजन इसके पीछे ये है, जनरली इन एलिमेंट्स में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीरियम से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन एंटर होना फोरेफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, सॉरी फोरेफ ऑर्बिटल्स में एंटर होना स्टार्ट होता है। तो फोरेफ ऑर्बिटल्स की डिफ्यूजिंग शेप होता है, ये हम सबको पता है, पोजेस डिफ्यूजिंग शेप। और इस डिफ्यूजिंग शेप की वजह से 4f ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पोअरली स्क्रीन करता है। तो ये याद रखना है कि 4f ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो डिफ्यूजिंग शेप होता है, इसीलिए जो 4f ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4f ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स पुअरली स्क्रीन ईच अदर। तो एक दूसरे को ये पुअरली क्या करता है, स्क्रीन करता है। और इसकी वजह से जब ये एक दूसरे को पुअरली स्क्रीन करता है तो जो जेट इफेक्टिव है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक, और सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक पुअरली जब स्क्रीन करता है 4f ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को, तो सीरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 4f ब्लॉक एलिमेंट के केसेस में 6s2 होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोज टू
न्यूक्लियस। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज आता है, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता है, तो वो न्यूक्लियस के क्लोज आता है, जिसकी वजह से साइज जो है एटॉमिक एंड जो आयनिक साइज है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज वो क्या होता है, डिक्रीज। और इसी डिक्रीज इन साइज को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। सो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मेन रीजन यही है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, इसको अच्छे से याद रखना है। रीजन क्या है, देखो जो ब्लॉक एलिमेंट्स है इनमें जो इलेक्ट्रॉन सेंटर होता है वो 4f ऑर्बिटल्स में एंटर होता है। 4f ऑर्बिटल्स की डिफ्यूजिंग शेप होता है, और डिफ्यूजिंग शेप होने की वजह से जो 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को पुअरली स्क्रीन करता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है सीरियम से लेकर ल्यूटीरियम तक। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो 6s में दो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के क्लोज आता है, क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक और आयनिक साइज दोनों डिक्रीज होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कुछ कंसिक्वेंसेस हैं, और इन कंसिक्वेंसेस को समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो ये याद रखना है, कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की जो पहला कंसिक्वेंसेस है वो ये है कि ये इन एलिमेंट्स की साइज में जो डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल Ce+3 to Lu+3, तो साइज डिफरेंस जो है वेरी स्मॉल से है। तो याद रखना है ये चीज की साइज में जो है बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल यानी कि सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस वजह से इन एलिमेंट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट सेपरेट दीज एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है प्योर स्टेट में। तो यहाँ पर लेकिन लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, जैसे सॉलिबिलिटी है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से, जैसे सॉलिबिलिटी, हाइड्रेशन, ठीक है, और आयन एक्सचेंज जो है, या कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो सीरियम से लेकर ल्यूटीरियम तक इन एलिमेंट्स की सॉलिबिलिटी, हाइड्रेशन, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है सब में, ठीक है, डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस की वजह से हम इन एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं थ्रू फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के जरिए जो है हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि ये पहला कंसिक्वेंसेस है कि सीरियम टू ल्यूटीरियम तक के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इन एलिमेंट्स को सेपरेट करना प्योर स्टेट में मुश्किल होता है, लेकिन लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, सॉलिबिलिटी, हाइड्रेशन, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसकी वजह से हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के जरिए इन एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं। सेकंड जो कंसिक्वेंसेस है दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो ये सब हाइड्रोक्साइड बेस की फॉर्मेशन करता है, करस्पॉन्डिंग फार्मूला MOH3 टाइप, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड फार्मूला है जनरल, तो इस हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। लेकिन याद रखना, सीरियम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटीरियम ट्राई हाइड्रोक्साइड जो बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस।
अब ये बेसिक स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होता है, इसके पीछे रीजंस है। रीजन ये है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको, बिकॉज जो एम ओ एच बोन की जो कोलिन करेक्टर्स है, एम ओ एच बोन की जो कोलिन करेक्टर्स है, कोलिन करेक्टर्स ऑफ एम ओ एच बोन, वो इंक्रीज होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज कवलेंट करेक्टर, कवलेंट करेक्टर ऑफ एम ओ एच बॉन्ड इंक्रीज। तो कवलेंट करेक्टर जो है इंक्रीज होता है, क्योंकि कवलेंट करेक्टर इंक्रीज क्यों होता है, देखो अगर यहां पर अगर आप देखें तो कैटाइन का साइज जो है, जितना आप सीरियम टू लिटिटियम जाएंगे, ठीक है, सीरियम प्लस थ्री टू लिटिटियम प्लस थ्री जाएंगे, वो डिक्रीज होता है, वो एब्रप्टली क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर OH माइनस है, जैसे हाइड्रोक्साइड्स है नेगेटिव, तो ये स्मॉल साइज इसको हाईली पोलराइज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों से फॉर एग्जाम्पल एटम के बीच में आता है। तो कवलेंट जो करेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यहाँ से यहाँ जो है सीडियम हाइड्रोक्साइड टू लिटिटियम हाइड्रोक्साइड आयनिक करेक्टर जो है, आयनिक करेक्टर वो डिक्रीज होता है। तो आयनिक करेक्टर जब डिक्रीज होता है तो सॉल्यूशन मीडियम में OH की जो कंसंट्रेशन है, OH माइनस कंसंट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट इसमें ये याद रखेंगे जो कंसिक्वेंस है, थर्ड जो कंसिक्वेंसेस है साइज को लेके है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, और ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट से लेकर जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड नेम के 144 है, इसका 162, इसका 132, इसका 145 है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप जिरकोनियम टू हैफनियम देखेंगे तो ये एटॉमिक साइज फिर से डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और एटॉमिक साइज इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि लेंथेनम और हैफनम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स आता है, 4F ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम कहेंगे, इनमें 4F में इलेक्ट्रॉन्स जाता है, 4F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, और इन 4F में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी पोअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है, जिसको हमने अभी डिस्कस किए लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। और इसी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से सेकंड टू थर्ड जो है, सेकंड टू थर्ड फ्रॉम जर्कोनियम टू फ्रॉम जर्कोनियम एंड हैफोनियम्स, ठीक है, सेकंड और थर्ड सीरीज में एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज वो या तो डिक्रीज होता है या तो बिल्कुल क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथेनाइट कंट्रक्शन की वजह से जर्कोनियम टू हैफनियम साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, इसका 145 है, इसका 144 है। नियोबियम टू टेंटेलम जो है साइज बिल्कुल सेम है, देखो 134 ये साइज इसलिए सेम है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रक्शन, लेंथेनाइट कंट्रक्शन। सो दीज आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम एक्टिनाइट सीरीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।